नमस्कार, मैं वक्षानंद, आप LiveStage.in देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के महागठबंधन में शामिल होने की सरगर्मियों के बीच उन्होंने कल एक ऑफर रखा। दरअसल ये मांग शिक्षा से जुड़ी 25 सूत्री मांगों की थी, जिसे पूरा करने के डिमांड पर वो हर बातों से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो गए। लेकिन अब जदयू के ओर से बिहार सरकार के मंत्री कृष्णनंदन वर्मा का जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि पहले इतने सालों में उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया, अब तो चुनाव का वक्त आ गया है, बहुत देर हो चुकी है। दरअसल उन्होंने कहा कि समय रहते उपेंद्र कुशवाहा ने कोई काम नहीं किया, किसी तरह का कोई सुझाव नहीं दिया, अब तो चुनाव का समय है, नसीहत से कुछ नहीं होने वाला। तो कृष्णनंदन वर्मा का यह स्टैंड साफ है कि एक तरफ जब उपेंद्र कुशवाहा जदयू पर हमलावर हो रहे थे और नीतीश कुमार से अपने कहे किसी बयान पर माफी मांगने की बात कर रहे थे, सीटों का डिमांड भी ठोका था, तेजस्वी से सर्किट हाउस में मुलाकात हो गई, हालांकि उसे महज एक कोइंसिडेंस बताया गया, मगर तमाम चीजें समझ में आ रही थी। 30 तारीख का डेट दिया उन्होंने, कहा कि अब अमित शाह से नहीं मोदी जी से मिलने का प्रयास करेंगे। उसके बाद 6 दिसंबर का डेट दिया और अब फाइनली कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए, सारे डिमांड्स को मैनेज करने को तैयार है, बस ये 25 सूत्री जो मांगे शिक्षा सुधार जन जन का अधिकार से जुड़ी है वह मान ली जाए। अब जदयू ने भी अपना स्टैंड साफ किया है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री है कृष्णनंदन वर्मा, उन्होंने साफ साफ कहा कि पहले के दिनों में, पिछले सालों में कोई काम नहीं किया उपेंद्र कुशवाहा ने, कोई सुझाव नहीं, कुछ नहीं, और अब चुनाव आया है तो अपनी मांगों को रख रहे हैं, नसीहत देने से कुछ नहीं होगा। उपेंद्र, ये जो कृष्णनंदन वर्मा बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, जदयू के कोटे से आते हैं, उन्होंने यह साफ साफ कहा। उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं ना कहीं लाज बचाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीटों के डिमांड पर नहीं सुनी गई, मीटिंग नहीं फिक्स हुआ, अमित शाह से नहीं मिल पाए, नरेंद्र मोदी से नहीं मिल पाए, 30 तारीख का डेट दिया, फिर 6 दिसंबर का डेट दिया, और अब मान बचाने के लिए 25 सूत्री मांगों को मनवा रहे हैं। केंद्रीय आलाकमान को कहा है कि बिहार सरकार से इन मांगों को मनवा लिया जाए। अब बहरहाल आगे देखना होगा कि रालोसपा की राह जदयू से कितनी मिलती है, क्या एनडीए के साथ चलते हैं या फिर एक बार फिर बेइज्जत होकर या बिना बेइज्जत हुए महागठबंधन का दामन थामने की बात छेड़ते हैं। लेकिन फिलहाल अपनी इस मांगों के एवज में उन्होंने साफ कहा कि वह एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।